देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक में सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यकीन मानिए वीडियो के अंतिम पड़ाव तक आप अपने लिए एक बेस्ट ब्रांच का चुनाव कर सकते हैं, अपने लिए एक ऐसा ब्रांच का चुनाव कर सकते हैं जिससे पॉलिटेक्निक कोर्स कम्प्लीट करने के बाद आपका रुतबा, आपका स्कोप और आपका परफॉर्मेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे बच्चों के अंदर नॉलेज नहीं होती और नॉलेज के अभाव में वो कोई ऐसा ब्रांच का चुनाव कर लेते हैं जिससे आगे उनको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है, उनका समय तो बर्बाद होता ही होता है, उनका पैसा भी काफ़ी बर्बाद हो जाता है। तो ज़रूरी है कि 5 मिनट की ये वीडियो अंतिम तक आप देख लीजिए और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आप अपने लिए एक अच्छा सा ब्रांच का चुनाव कर पाएँ। देखिए, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं पॉलिटेक्निक कोर्स में, लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर, इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब इसमें से चुनाव करना काफ़ी मुश्किल है कि हम अपने लिए कौन सा चुनाव करें। तो इसके लिए आपको बस मेरी ये बात समझनी है कि देखिए, बेस्ट ब्रांच के 2 पर्सपेक्टिव हैं कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ब्रांचेस अलग अलग हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ब्रांचेस अलग अलग हैं टॉप के। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के प्रस्पेक्टिव से टॉप 3 ब्रांच कौन कौन से हैं पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए। तो देखिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये टॉप 3 ऐसे ब्रांचेस हैं जिनका स्कोप गवर्नमेंट जॉब के प्रस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन 3 ब्रांचों से पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे जा सकते हैं। इसका मतलब कि इन सभी ब्रांचेज से गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज काफ़ी आती हैं, लाइक सिविल में जूनियर इंजीनियर बनने की वैकेंसीज आती हैं, है ना। इसके अलावा जेई की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए आती है, मैकेनिकल के लिए आती है। तो अगर आपने इस सभी ब्रांचों से पॉलिटेक्निक कोर्स किया है तो आगे चल के आप जेई बन सकते हैं। वहीं अगर बात करें प्राइवेट जॉब के प्रस्पेक्टिव से, यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए सबसे बेस्ट ब्रांचेस कौन सा है, तो अगेन मैकेनिकल सबसे पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरे पे सीएस एंड आईटी। इसका मतलब क्या है कि देखिए, मैकेनिकल को हमेशा कहा जाता है सदाबहार जो है वो ट्रेड है। ये सदाबहार मतलब क्या कि ये गवर्नमेंट जॉब में भी तो इसका जलवा है ही है, लेकिन प्राइवेट जॉब में भी इसका जलवा है। मतलब अगर आपका किसी कारण बस गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन उतना नहीं हो पाता है तो आपका प्राइवेट जॉब का ऑप्शन जो है वो काफ़ी खुला है। इसका मतलब आप प्राइवेट सेक्टर में जाके अपने आप को काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे ऑडी, मर्सरीज, मारुति सुजुकी, टाटा, इसके अलावा हैरियर, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें आप मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक कोर्स करके सिलेक्शन पा सकते हैं और बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में, और सीएस एंड आईटी का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो जब बेस्ट ब्रांच की बात आएगी ना, तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछेगा कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में, या आगे चल के आप कोर्स करने के बाद डिसाइड करेंगे। तो अगर कोर्स करने के बाद डिसाइड करेंगे तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, आईटी, इन सभी ब्रांचों में से कोई एक ब्रांच अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिए और उससे अपना कोर्स कीजिए। अगेन, मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, इंटरेस्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी ब्रांच ख़राब और कोई भी ब्रांच बहुत अच्छा नहीं होता। सबका अपना अपना मायने होता है, सबका अपना अपना फील्ड होता है। हो सकता है कि आप सिविल से ही अपना पॉलिटेक्निक कोर्स करके कुछ भी ना कर पाएँ, हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से ही करके बहुत कुछ कर जाएं। तो ये आपके चैलेंज पे, या आपके परफॉर्मेंस पे, या आपके मेहनत पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो अगेन, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन सभी ब्रांचों में से भी अपने लिए एक बेस्ट ब्रांच चूज़ कीजिए और उसमें खूब मेहनत कीजिए, खूब सारी चीज़ सीखिए, ताकि आगे चल के आप इंजीनियरिंग लाइन में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ और अपने फैमिली का और अपना खुद का नाम रोशन कर पाए। ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको बेस्ट ब्रांचेस की सूची मिली होगी जिसके ज़रिए आप अपने लिए अच्छी ब्रांच का चुनाव कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो सिंपली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में आपका सबसे बड़ा साथी एग्ज़ाम वाला भैया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना दोस्त ज़रूर बनाइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।